वेलकम बैक अवतीन अजवाद। एक दफा फिर आज सुबह अली सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, समय मेहदी, समीना और शहजाद। और हमारा आज का कॉन्सेप्ट ये है कि फैशन इज अफोर्डेबल येट अनअफोर्डेबल, मगर उसको थैंक्स टू डिज़ाइनर्स लाइक समर जिन्होंने उसको अवाम की रीच में ले आए हैं, एंड थैंक्स टू पीपल लाइक शहजाद एंड समीना के वो जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी किसी ना किसी तरह अपना पेट काट कर जो एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है हमारा, खवातीन में शायद ज़्यादा होता है रिलेटेड टू फैशन, वो उसको किसी ना किसी तरह अफोर्डेबल करके उन लोगों के लिए कर रहे हैं। शहजाद साहब ने अपने कुछ कपड़े हमें दिखाने का वादा किया है, मैंने सोचा था कि वो गिफ्ट करेंगे लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है ये शहजाद साहब जो हैं ये शहजाद साहब ही हैं, ये दिखाएंगे। और ये इन्होंने ये कन्फर्म किया कि ये इन्होंने ख़ुद बनाए हैं, और ये इनको मॉडल नहीं मिल सकी तो मुझे इन्होंने ऑफ़र किया था, लेकिन ये चूंकि मुझे टेक्निकली अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये खुद आप आपको हिला जुला के दिखा देंगे। जी ये आपने जो 14 अगस्त के लिए सूट बनाया था, बोल रहे थे ना ये चुन ये होती है। अच्छा ये चुन है, और चचाएँ किधर चचाएँ ये है। ओके okay. ये इनमें से जनाजे का सूट आप बता रहे थे, जो जनाजे वाला मैं कोई लाया नहीं, जैसा ये सब पार्टी ड्रेस हैं। ये अच्छा पार्टी ड्रेस हैं, सब पार्टी ड्रेस। किस तरह की पार्टी पे ये ड्रेस पहना जाता है अगर आप बताना चाहें? जैसे मैरिड हो गए किसी फंक्शन पार्टी, 12-13 सालों में मेरे पास कभी कोई जनाजे के लिए नहीं आया, सब टेलर के पास जाते हैं। मैं अभी आपको अच्छा ये आखिरी वाला सूट दोबारा निकाला, सूट जनाजे पे पहन ही सकता ना, और थोड़ा रीजनेबल थोड़ा पहन के जाएगा। अच्छा ये आखिरी वाला सूट जरा निकालें शहजाद साहब, ये खवातीन हज़रात मैं आपको ये मैं दिखाऊंगा। पाकिस्तान में कौन कहता है काउबॉयज नहीं होते, बाहर घोड़ा होता है जिसको आप घोड़े को कहीं एंकर या उसकी वो क्या होती है जीन को आप लगा देते हैं, यहाँ पे ये खातून को भी जो है आप कहीं ना कहीं ये देखें ये इन्होंने अब उनको पार्क करने का मुनासिब बंदोबस्त किया हुआ है। आपने कहा जी इन्होंने हमें शुरू में कहा था शो के ये जनाजों के खास तौर पर सूट बनाते हैं, आपके पास कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं जनाजे के लिए तो कोई नहीं आया, I have to admit. असल में डिफेंस में जिस इलाके में आप केटर ज्यादा नहीं वहाँ जनाजे होते हैं, लेकिन वहाँ मरने में कितना वो लोग तकलीफ नहीं करते ना, आम सी बात है मर गया चलो ठीक है मिट्टी पाओ, यहाँ तो मरना बाकायदा एक पहले कुछ मतलब 4-5 दिन रोते हैं, 4-5 दिन रोते हैं। अब बताएं शहजाद साहब जवाब दें सबर, आप मसला ये है आप लोग इतने महंगे दे रहे होते हैं कि वो किसने कहा महंगे दे रहे होते, 5-6 लाख से कम सूट मिलते नहीं आप लोगों की तरफ। अच्छा। मैंने तो 2500 का बता दिया, 2500 का जो मिल रहा होगा ना वो देखना। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरे पास लिटरली हर एरिया बिकॉज ऑब्वियसली आई कम ऑन टीवी और लोग हर तरफ हर एरिया से आते हैं, यू नो आई गो आउट ऑफ माई वे कि मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं उसके बजट के अंदर बना दूँ, बिकॉज मुझे रियली खुशी होती है कि यू नो एक एक एरिया में अगर आपका स्टोर है और बस वो 0.1% आके एलीट ले रही है, that's not fashion, fashion should trickle down, you know, aur wo ja raha hai aur wo ja raha hai awareness, yes to I do that, to I think ye bahut wrong concept hai har waqt jo, aur also dekho fashion is not all about the fact ki frivolous hai, fashion provides you know earning and way of living to so many people, दर्जी हमसे कनेक्टेड हैं, स्टाइलिस्ट कनेक्टेड हैं, फोटोग्राफर्स कनेक्टेड हैं, मतलब इट्स अ प्रॉपर इंडस्ट्री। लेकिन मरने वाले लोग कनेक्टेड नहीं है, मरने वाले लोग कॉलर लाइन में पहले कॉलर से पूछ लेते हैं कि आप जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं समीना कराची से बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम समीना बहन, कैसी हैं आप? समर हमारे साथ हैं, समीना एक और हमारे साथ हैं, और शहजाद साहब जो कि जनाजों के सूट भी बनाते हैं अरे भाई हमारे साथ हैं, अगर आप इनसे किसी से बात करना चाहें। पहले तो मैं समर की तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छी ये इनकी डिजाइनर हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत शुक्रिया। और टेलर हजरात से मैं यही कहूँगी कि ये हमेशा कपड़ा कम होने की ही शिकायत क्यों करते हैं, चाहे इनको कपड़ा कितना ही दे दिया जाए। जी बहुत अच्छा सवाल है, समीना ने समीना की गर्दन रुक नहीं रही, हिलती जा रही है। आप सही कह रही हैं, वो दर्जी मानते नहीं है कि कपड़ा अगर हम लेके जाएंगे कहेंगे नहीं ये कम है आप ज्यादा लाएं, अब कहाँ से लाएं ज्यादा, जो वो सूट ही हमें दे रहे हैं बिल्कुल बना बनाया। हालांकि आपने इनके कपड़े देखे, ये चेपियाँ लगा देते हैं बीच में अगर आप चाहें, ये देखें आप पहन रहे लेंथ 50-50 तक, मेरी तो 60 तक है, और आप कपड़ा लेके आ रहे हैं 45 का, तो हम जादूगर थोड़ी हैं, टेलर हैं भाई। लेकिन उसमें तरीके होते हैं कपड़ा बचाने के, तरीके होते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ऊपर आप बॉडी लगा लें झपटी, नहीं नहीं ये बहुत पहन ली हमने बॉडी वाले, बहुत और भी तरीके होते हैं, बहुत तरीके बताते हैं लेकिन नहीं मानते थे हमें, बगैर जोड़ का चाहिए, नहीं आजकल तो जो बगैर जोड़ का भी चाहिए, और कपड़ा आप 2.5 गज ला रहे हो, 3 गज वाले कपड़े में आप लेंथ चाह रहे हो और कपड़ा 2.5 गज ला रहे हो, हम जादूगर थोड़ी हैं कि हम उसको बढ़ा देंगे, आप कपड़ा लेकर आप जो अच्छा बिल्कुल ये जादू के ऊपर मैं आता हूँ अभी, टूना घर आप हैं जादूगर नहीं, ये अच्छा ये इसमें भी होता है कि लेट नाइट कब्रिस्तानों में फिर जाके आप कपड़े की लाइन लगा समर, इसमें एक सवाल ये बनता है कि क्या इसकी वजह से होता है कि खवातीन कपड़ा लाती हैं तो कपड़े की लाइन छोटी होती चली जाती है?
नहीं अब किस किस्म के आप ख्वातीन की बात कर रहे हैं आजकल? आई थिंक टीवी पे कुछ ज्यादा लेट नाइट शोज चले हुए, आपके जहन में वो ख्वातीन तो नहीं है जिनके छोटे होते रेटिंग? आप यकीन कीजिए कि बेगम ने 9 बजे के बाद टीवी पे जो है ना वो सिर्फ कार्टून नेटवर्क लगाया हो, तो हम सिर्फ कार्टून नेटवर्क में बच्चे पोगो देख रहे हो। ऑलराइट, नहीं देखो अगेन यू नो आई लाइक द वे, आप देखती हैं वो वाले शोज? सुनो देखो मैं तो देखती हूँ, मैं तो बड़ी अवामी हूँ, मैं तो सारे शोज देखती हूँ। मेरा मियाँ देखता कि नहीं मैं ये देख रही होती हूँ, वो क्या देख रहा है। बट कमिंग बैक टू दिस इशू अगेन, देयर आर वेज के कपड़ा बचाया जा सकता है और उसी कपड़े में से कुछ निकाला जा सकता है। मेरा भी यही ख्याल है कि बिकॉज मेरे पास क्या होता है, इवन ये जो अभी हम लॉन के प्रिंट्स का जिक्र कर रहे थे, दे हैव बिकम सो एक्सपेंसिव कि क्लाइंट्स चाहते हैं कि उसको किसी टेलर को ना दें, वो मेरे पास आते हैं कहते हैं यू नो डिज़ाइन समथिंग फॉर अस। ऑल्सो एक लॉन का प्रिंट वो 6 आंटीज़ ने पहना हुआ होता है तो वो यूनिफॉर्म लगने लगता है, तो फिर वो चाहते हैं ले भी लिया लॉन और इसको कुछ ऐसा भी कर दें कि दूसरे ने ऐसा ना पहना। खवातीन आज़ाद, समर ने कह दिया 6 आंटीज़ ने पहना होता है, आई एम प्रीटी श्योर कि जो इनकी आज कस्टमर्स देख रही हैं उनको फोन करके गिला करेगी। नहीं, आंटी क्यों किया, मेरे पास उस तरह नहीं आती। तो यू नो फिर हम उसमें से कपड़ा बचा के, अब हम भी कह सकते हैं कपड़ा कम है, बट वी फाइंड वेज टू डू इट। मैंने 4 साल की डिग्री की है, मैं आपको कटिंग करके सिखा सकती हूँ, मैं आपको ड्रिपिंग सिखा सकती हूँ, मुझे ये साइंस सिखाया गया। फॉरेन डिफेंसिव हो गए, फॉरेन डिफेंसिव हो गए, 90% इतनी बुटीक्स खोल के यार आप लोग भूल गए भाई, ये लेट, ये भाई है, ये हमारे पास सिलने आते हैं। शहजाद भाई ये पॉलिटिकल शो नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसी वजह से मेरे भाई इस चीज की डिग्री होती है और ये आप सही कह रहे हैं पाकिस्तान में ऐसा है, लेकिन हम लोगों को इस चीज को काटना सीना जब तक सिलाई नहीं आएगी और कटाई नहीं आएगी आप जिसका पैसा है ना वो बुटीक खोल के बैठ गया। अरे वाह, ये तो लेट नाइट शो शुरू हो गया। साहब है ना ये भी ऐसे होंगे वो पैसा ही बुटीक खोल के अपने नाम के बैठ जाएंगे। और यार मेरे साथ क्यों पर्सनल हो रहा है भाई, मैं नहीं खोल रहा यार। एक्ट्रेस देख लें, खिलाड़ी देख लें, इनको कुछ पता नहीं है क्या चीज है। खवातीन आज़ाद, मैंने फैसला कर लिया कि मैं बुटीक खोलने लगा हूं। समर थैंक यू वेरी मच, आई लाइक द वे इट्स एंडिंग बिकॉज इट्स ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, आई एम रियली सॉरी कि हमारे ज्यादा टाइम। समीना, आपको बच्चे हमने चैलेंज दे दिया हुआ है, यू गॉट 2 वीक्स, 2 हफ्ते हैं आपके पास, हर रिसोर्स आपको दी जाएगी। मैं इनसे पूछे बगैर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, वेरी काइंड, जो गाइडेंस चाहिए इनकी तरफ आपने बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? और 2 हफ्ते के बाद आप यहीं पर दोबारा आओगे, आपके सूट जहां पर होंगे, एंड आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर आपने हमें लेट डाउन किया तो, ठीक है? उसके बाद आप कंप्लेन किसी से नहीं कर सकोगे। शहजाद आपका बहुत शुक्रिया, आप जादूगर नहीं हो लेकिन फिर भी आप जादू कर लेते हो। हज़रत, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आज सुबह अली सलमान, समर वैदी हमारे साथ ही, समीना हमारे साथ ही, शहजाद हमारे साथ थे। कल सुबह आपसे एक दफा फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई और रख लेगा। टिल टुमारो।